हिमाचल प्रदेश में 26 अप्रैल देर शाम एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर 30 अप्रैल तक प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि के साथ साथ कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में 27 और 28 अप्रैल को भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर बागवानों के लिए ये मौसम चिंता का सबब बन सकता है। इस दौरान ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने क्या कहा, सुनिए। अगले चार दिन जो है हिमाचल में मौसम खराब रहेगा और इसकी मेन वजह है कि पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और ये पश्चिम विक्षोभ जो है काफ़ी एक्टिव है और मॉडरेट बारिश और प्रदेश में कुछ इलाकों में बर्फबारी होगी और इसका असर आज आपको देखने को मिलेगा। 26 को आप ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि जो चंबा और इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है और इसकी जो है कल इसमें जो है बढ़ोतरी होगी, कल पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा और उसके बाद 28 के बाद फिर 29-30 में फिर से पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा। तो चार दिन जो है अब हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। जहां तक हैवी प्रेसिपिटेशन की बात है तो उसमें 3 से 4 जिले ऐसे रहेंगे, एक तो 27 में चांसेज हैं कि चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर इन इलाकों में कुछ हैवी रेनफॉल भी हो सकता है और उसके बाद फिर 29-30 में भी जो नॉर्थ हिमाचल है वहाँ पे चांसेस हैं कुछ हैवी रेनफॉल के। साथ साथ में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हैं, सामान्य से 2 से 3 डिग्री दोनों टेम्परेचर ज़्यादा हैं, तो इसमें हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के चांसेस में है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।